प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां भाजपा संगठन के लोग इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वहीं साधु संतों ने भी उत्साह नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए साधु संतों ने महायज्ञ हवन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। वेद पाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ संपन्न कराया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में जो गौरव और सम्मान मिल रहा है वो कई सदियों में नहीं मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वस्थ रहने के लिए और राष्ट्र की जो सनातन धर्म की वो सेवा कर रहे हैं उसकी यश कीर्ति की अभिवृद्धि हो, रक्षेश्वर महादेव के आशीर्वाद से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें सरदर्शन साधु समाज के सभी संतगण उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूर्णाहुति करके उनकी शीघ्र अच्छा स्वास्थ्य रहे और राष्ट्र की सेवा करते रहें। इस प्रकार से वर्तमान समय में सनातन धर्मावलंबियों पर आक्रमण हो रहे हैं संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया है जो पिछले 800 साल का इतिहास था उसको पुनर्वन्नों ने जीवित किया है। इसलिए सभी संपूर्ण साधु समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया गया। और इसके उपरांत यहाँ के एक समाजसेवी हमारे लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के द्वारा सभी संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। मीडिया के सभी बंधुओं को और इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिनका कल जन्मदिन था उनके लिए भी शुभकामना की गई।